Please start reading. Yes, ma'am. Here. आवाज नहीं आ रही है संजना, आवाज नहीं आ रही है. मैम अब आ रही है. हाँ बोलो. संजना आवाज नहीं आ रही है बेटा. आप जैसे पढ़ना स्टार्ट करते हो वैसे ही आवाज चली जाती है. मैम आप अपना माइक बंद करिए. ओके मैं करती हूँ. मैम अब आवाज. बिफोर यू बोलो अब आ रही है. बिफोर यू रीड There are some dates or periods of the time in the history of the world that are so significant that everyone knows and remembers them. The story you will read mentions one such date and event, a war between the British and the Germans in 1914. You can guess which war it was. I spotted it in a junk shop in Bridport, a roll top desk. The man said it was early 19th century, an oak. I had wanted one, but they were far too expensive. This one was in a bad condition, the roll top desk in several pieces, one leg scrimly mended. Scratch marks all down one side. It was going for very little money. I thought I could restore it. It could be a risk, a challenge, but I had to have it. I paid the man and brought it back to my work room at the back of the garage. I began work on it on Christmas Eve. I removed the roll top completely and put out the drawers. The veneer had lifted almost everywhere. It looked like water damp to me. Both fire and water had clearly taken their toll on this desk. The last drawer was stuck fast. I tried all I could to ear it out gently. In the end, I used brute force. I struck it sharply with the side of my fist, and the drawer. My fist and the drawer flew open to reveal a shelf. Space under net, a secret drawer. There was something in there. I reached in and took out a small black tin box. Cello taped to the top of it was a piece of lined note paper, and written on it is in Shakley handwriting, Jim's last letter, received January 25, 1915, to be burned with me when the time comes. I knew as I did it that it was wrong of me to open the box, but secretly got the better of my scruples, it usually does. Inside the box, there was an envelope. The address read, Miss Jean McPherson, 12 Copper Beaches, Bridport, Dorset. I found the letter and unfolded it. It was written in pencil and dated at the top, December 26, 1914.
सो चंचल, आपने अभी तक इतना पढ़ा, आपको क्या समझ आया बेटा? चंचल आवाज आ रही है मेरी? यस मैम, आपकी आवाज आ रही है। हाँ, तो आपने अभी तक पढ़ा, क्या समझ में आया ये पूछ रहे। ये स्टोरी है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट एवर, यही है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। एक सेकेंड। एक आपने ये ऑनलाइन ही निकाली है ना? अब देखो, ये एक स्टोरी है माइकल मॉरपुंगो की तरफ से, ठीक है। इस स्टोरी में ऑथर एक रोल टेबल टॉप बाय करता है फ्रॉम अ जंक शॉप, ठीक है, एंड रीस्टोर इट, स्टार्ट्स वर्किंग ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। व्हाइल रिपेयरिंग इट, ही फाइंड्स दैट देयर इज अ सीक्रेट स्पेस इन द लास्ट ड्रॉवर। इन दैट सीक्रेट स्पेस देयर इज अ स्मॉल टिन ऑफ द बॉक्स। अब देखो, हो क्या रहा था कि ये जो बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट है वो स्टोरी है ना बेटा, ये है माइकल मॉरपुंगो। किसकी है? माइकल मॉरपुंगो। किस मॉरपुंगो? माइकल मॉरपुंगो, कुछ ऐसा ही नाम है इनका, ठीक है। इस स्टोरी के अंदर जो ऑथर है ना, वो एक टेबल टॉप बाय करता है। टेबल टॉप का क्या मतलब होता है? राउंड टेबल। आपकी आवाज नहीं आ रही बच्चा। राउंड टेबल नहीं, टेबल टॉप का टेबल टेबल अ रोल टेबल टॉप, मतलब जो फोल्डेबल जो टेबल टॉप रहता है उसे हम कहते हैं। और उसने कहाँ से बाय किया होता है? एक जंक शॉप से। जंक शॉप अगर मैं आपको समझाऊं तो जंक शॉप अपन उसको समझ सकते हैं जो कबाड़ी वाले की दुकान होती है। यस मैम, उसको हम जंक शॉप समझ सकते हैं, ठीक है। अब वो क्या करता है, उसको वापस उसको रिस्टोर करना होता है, क्योंकि देखो कबाड़ी के पास कोई भी चीज़ अच्छी तो होती नहीं है, ठीक है। तो उसने क्या किया कि सॉरी जस्ट अ मिनट, अच्छा अभी उसने क्या किया कि उसने वो ले तो लिया। अब देखो उसमें अपने को क्या करना पड़ेगा, वापस सारा सब कुछ रीस्टोर करना पड़ेगा उसको। उसको हम वापस पेंट करवाएंगे, ठीक है, पॉलिश करवाएंगे, ये सब हम क्या करेंगे, रीस्टोर करेंगे उसको, ठीक है। उसके बाद उसको एक सीक्रेट स्पेस दिखता है, जो कि लास्ट ड्रॉवर के अंदर एक सीक्रेट स्पेस होता है, ठीक है। लास्ट उसके अंदर एक सीक्रेट स्पेस होता है, उस सीक्रेट स्पेस के अंदर एक लेटर होता है इनसाइड द टिन बॉक्स। टिन बॉक्स से क्या समझते हो? आपको टिन बॉक्स पता है क्या होता है? टिन पता है टिन क्या होता है मैम? हाँ, तो बस उसी टिन का एक बॉक्स बनता है, मतलब अलग अलग ऐसे, वो मैं अगर ऐसे बोलूँ तो लोहे वाले बॉक्सेस नहीं आते लंबे सिलेंडर शेप में, उसे हम टिन बॉक्स बोलते हैं। तो उस टिन बॉक्स के अंदर क्या था बेटा, कि उसको टिन बॉक्स के अंदर एक लेटर मिला था,
ठीक है, तो अब रिटन बाय जेम मैकफर्सन, अ कैप्टन ऑफ इंग्लिश आर्मी टू हिज वाइफ कोनी. इट वॉज नरेशन ऑफ दैट इंसिडेंट दैट टुक प्लेस ऑन द बैटल फील्ड इन 1914 ऑन क्रिसमस डे. मैकफर्सन था जो कि कैप्टन था इंग्लिश आर्मी का, ठीक है, इंग्लिश आर्मी का क्या था, कैप्टन था. उसने अपनी वाइफ कोनी को एक लेटर लिखा था, ठीक है, जिसमें उसने किसके बारे में बताया कि वहां बैटल फील्ड में क्या हो रहा है. बैटल फील्ड माने मैम जहां पे युद्ध हो. एग्जैक्टली, बैटल फील्ड में क्या हो रहा है वो उसने बताया था, क्योंकि वो बैटल कब हो रहा था, क्रिसमस डे के दिन. कब हो रहा था? क्रिसमस डे के दिन. आया समझ में? यस मैम. ओके चलो अब आगे रीड करो. सेकंड पैराग्राफ रीड करना है ना. डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन मच. अब ये वो लेटर है जो उसने लिखा था, ठीक है, तो अब आप इस लेटर को पढ़ रहे हो, अच्छे से पढ़ना. यस मैम. डियरेस्ट कोनी, आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑफ माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैज जस्ट हैपन्ड दैट आई मस्ट टेल यू अबाउट एट वंस. We were all standing to in our trenches yesterday morning, Christmas morning. It was a crisp and quiet all about, as beautiful as morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I am ashamed to say this, that first began it. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. Then they were calling out to us from cross no man lands, happy Christmas. ओके, तो अब देखो ये स्टोरी कहाँ से चालू होती है, ठीक है. मैंने आपको बताया था ऑथर ने एक टेबल टॉप लिया था जंक शॉप से, ठीक है, और वो ओक का बना हुआ था. वो किसका बना हुआ था? ओक का बना हुआ था. उसने क्रिसमस की इवनिंग को उसको रिपेयर करना स्टार्ट किया, क्योंकि उसकी जो ड्रॉअर्स थी ना वो बहुत ज़्यादा डैमेज थी ड्यू टू फायर एंड वाटर, ठीक है. अब ऑथर ने जब लास्ट वाली ड्रॉअर को पुल किया तो उसको एक सीक्रेट स्पेस दिखा जिसके अंदर एक स्मॉल टेप बॉक्स था, ठीक है, और उसमें जिम्स लास्ट लेटर लिखा था, और वो उसको कब रिसीव हुआ था बेटा? January 25, 1915, ठीक है. अब उसने क्या किया कि टू बी बरीड विद मी व्हेन द टाइम कम्स. अब उसमें क्या लिखा था कि जिम का लास्ट लेटर, और उसको मेरे साथ ही दफनाना है जब मैं दफन हो जाऊँ. अब टिन बॉक्स के अंदर एक एनवलप था जिसमें एक एड्रेस लिखा था, ठीक है, जिम मैकबॉर्न 12 कूपर बीचेस ब्रिटपोर्ट. द डेट ऑन द एनवलप क्या थी? 26/19/14, ठीक है. अब ऑथर ने लेटर को पढ़ना स्टार्ट किया. लेटर किसने लिखा था? जिम मैकफर्सन ने, ठीक है, ये इंग्लिश आर्मी में कर्नल था, और उसकी वाइफ को लिखा था उसने. ही हैड नरेटेड अ ब्यूटीफुल इंसिडेंट जो कि बैटल फील्ड में उस दिन हुआ था, क्योंकि उस दिन क्रिसमस डे था. क्रिसमस डे के दिन जो इंग्लिश और मैंने तो ईयरफोन्स भी लगा रखे हैं, तो भी आवाज नहीं आ रही. नो मैम, कट कट के आ रही है. अब आ रही है आपको मेरी आवाज? यस मैम. एक सेकंड, हाँ मैं पानी पी लूं.
तो अब देखो, वहां पे एक छोटा सा इंसिडेंट हुआ था, क्योंकि उस टाइम क्या कौन कौन वॉर पर थे, जर्मन और ब्रिटिशर्स दोनों वॉर पर थे, ठीक है। कहाँ पहुंच गई मैं, ये रहा। ठीक है, दोनों आर्मीज अपने रिस्पेक्टिव ट्रेंचेस पे थे। ऑल ऑफ द सडन क्या हुआ था, किसी ने वाइट फ्लैग वेव करते हुए देखा किसी को, ठीक है। ही हर्ड द जर्मन सोल्जर विशिंग हिम मैरी क्रिसमस, सम ऑफ इंग्लिश सोल्जर्स आल्सो विश द सेम। अब सरप्राइजिंगली क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि जो जर्मन सोल्जर्स थे जो उनकी तरफ मूव कर रहे थे, उन्होंने कैप्टन मैकपर्सन को अलार्म किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि ये शायद उनकी चाल हो सकती है। बट द जर्मन सोल्जर्स ब्रॉट कैंड मीट एंड वाइन, पर जो जर्मन सोल्जर्स थे वो क्या लेकर आए थे, मीट और वाइन लेकर आए थे, ठीक है। आगे पढ़ो अब, आपने पूरा लेटर पढ़ लिया था बेटा? मैंने पूरा लेटर नहीं पढ़ा था। चलो पढ़ लो पढ़ लो, वैसे भी इसकी समरी थोड़ी सी बाकी रही है, चलो मैं ही बता देती हूँ, ठीक है। अब सोल्जर्स एक दूसरे को हक कर रहे थे। हैंस वुल्फ जर्मन ऑफिसर ने अपने हाथ मैकपर्सन से मिलाए, ठीक है। वुल्फ ने उसको कहा कि ही वॉज फ्रॉम डसलडॉर्फ एंड प्लेड सेलो इन ऑर्केस्ट्रा, मतलब ऑर्केस्ट्रा बैंड होता है पूरा, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग तरीके के म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं ना, उन सब के बैंड को हम ऑर्केस्ट्रा बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसमें क्या बजाता था, सेलो। तो मैकपर्सन ने उसको बोला कि ही वॉज फ्रॉम डॉसेट एंड ही वॉज अ स्कूल टीचर। वो कहाँ से था, डॉसेट से था, और वो स्कूल टीचर था। हैंस वुल्फ ने बताया कि उसे इंग्लिश पता, उसे इंग्लिश आती है, और थॉमस हार्डी उसका फेवरेट राइटर है। उसकी बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, उसने उसने बताया डॉर्सेट के बारे में। थस ही न्यू अ लॉट अबाउट डॉर्सेट फ्रॉम देयर। मैकपर्सन ऑफर्ड हिम द केक सेंट बाय हिज वाइफ कोनी। अब मैकपर्सन ने जो दूसरी, मतलब जो जर्मन वालों का जो कैप्टन था, उसको क्या किया, उसको केक ऑफर किया जो उसकी वाइफ कोनी ने सेंड किया था। सोल्जर्स ने एक दूसरे के साथ फुटबॉल खेला, और आफ्टर द मैच सबने फूड और ड्रिंक्स एंजॉय किया। उसके बाद अपने अपने ट्रेंचेस पे चले गए, वो जाना नहीं चाहते थे फिर भी चले गए। लेटर आर नाइट दोनों आर्मीज ने कैरल्स गाई, ठीक है। कैरल्स क्या होता है, जो क्रिसमस का गाना होता है ना बेटा, उसको हम लोग कैरल्स कहते हैं, ठीक है। He wrote that these memories are treasure for his lifetime and hope that the war will end soon. देखो अब वो लोग, अब देखो वो लोग वॉर में होके भी एक दूसरे से ह्यूमैनिटी निभा रहे थे, राइट, क्योंकि त्योहार था, ठीक है। हम तो त्योहार पे हमारे दुश्मनों से भी बात कर लेते हैं, तो ये बस यही चीज हो रही थी यहाँ पे। अब ये लेटर रीड करने के बाद में जो ऑथर था उसको ये लेटर मिसेस मैकपर्सन को रिटर्न करना था, तो वो उनके हाउस गया। अब हाउस का एड्रेस कहाँ लिखा हुआ था, लेटर के ऊपर, ठीक है। बट उसने जब देखा कि वो घर तो जल चुका है, मैकपर्सन 101 साल की थी, वो वहाँ घर के अंदर थी जब घर को आग लगी थी। द ऑथर कम्स टू नो दैट मैकपर्सन इज इन द नर्सिंग होम। अब वो कहाँ पर है, नर्सिंग होम में। जब वो गया वहाँ पे तो वो उसको चेयर पे बैठी हुई मिली। व्हेन ही कॉल्ड हर कोनी एंड रिटर्न द लेटर टू हर हर आईज लिट अप। शी टुक हिज हैंड विद आईज फिल्ड विद टीयर्स एंड सेड दैट हर जिम केप्ट द प्रॉमिस। ऑल्सो शी मेड द ऑथर सिट बिसाइड एंड टॉक लविंगली फॉर सो लॉन्ग विद हिम। She said that this is the best Christmas present in the world. अब उसको क्या हुआ, उसको अपने हस्बैंड के थ्रू लिखा हुआ लेटर मिला, तो उसको कितना अच्छा लगेगा, है ना, जो लेटर, वो दोनों बिछड़ चुके थे, ठीक है, उस वॉर में कर्नल की डेथ हो गई थी। मगर जब कैप्टन की डेथ हुई तो वो चीज उसको पता नहीं थी, और इनके घर में भी आग लग गई थी। तो देखो अब ये कोनी के लिए कितना अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट था। तो कोनी अपने घर में तो नहीं थी क्योंकि उनका घर जल चुका था, वो 101 साल की थी और वो नर्सिंग होम में थी अभी। तो जो ऑथर है वो वहाँ नर्सिंग होम जाता है, उनके पास बैठता है, उनसे बात करता है, ठीक है, काफी देर के लिए बात करता है, और उसकी आंखें भर आती है। किसकी, कोनी की आंखें भर आती है,
ठीक है, और कोनी उसको क्या कहती है कि ये है बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। देखो ये क्या है, ये स्टोरी हमको ये बताती है कि जो वॉर है ना, वॉर क्या लेकर आता है पूरी दुनिया में, डिस्ट्रक्शन और मैडनेस। डिस्ट्रक्शन मतलब एक होता है कंस्ट्रक्शन, उसका उल्टा होता है डिस्ट्रक्शन। डिस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है जब चीजें टूटती है, ठीक है, जब बिल्डिंग्स टूटती है किसी वजह से, उन पे मतलब हमला होता है और वो खराब हो जाती है, ठीक है। द पाथ ऑफ पीस विल लीड अस टू हैप्पीनेस एंड वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। जो पीस का पाथ है, पीस मतलब शांति का जो रास्ता है, वो हमेशा हमारी मैनकाइंड के लिए क्या लाएगा, हमेशा हमारी मैनकाइंड के लिए वेलफेयर और हैप्पीनेस लेकर आएगा। चलो मैं 2 मिनट का ब्रेक दे रही हूँ, आप 2 मिनट आराम से ब्रेक ले लो, क्योंकि हम ऑलरेडी क्या बोलते हैं कि टाइम हो चुका है नेक्स्ट क्लास का। आप नेक्स्ट क्लास में वैसे भी इधर ही आओगे, है ना, आपकी नेक्स्ट क्लास मेरे पास ही है, तो आप फटाफट पानी वगैरह पीकर आ जाओ, फिर मैं है ना मीटिंग स्टार्ट करते हो, आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। यस मैम। जाओ पानी वगैरह पीकर आ जाओ, 2 मिनट है, फ्रेशन अप होकर आ जाओ, है ना।